उससे बात करने वाले हैं जो हमारा डीजीपी होता है। तो डीजीपी में बहुत सारा एरर आता रहता है, तो इसमें आज हम एक एरर के बारे में बताने वाले हैं, इसका किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डीजीपी है और यहाँ पे हम CSCRD को लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद जो अगला इंटरफेस आता है, तो उसमें हमारा ये होता है कि जो हम अपने CSC में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जो डीजीपी में मोबाइल नंबर लॉगिन है, उस पर हमारा OTP सेंड किया जाता है, जिससे कि हमारा ये सत्यापन होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं गेट OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल। तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे जेनरेट OTP है उसमें क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा उसे यहाँ पे इस बॉक्स में लिखना होता है। तो आइए इसे हम फटाफट यहाँ से हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ वेरीफाई OTP है उसमें क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा अगला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का आएगा। तो हम यहाँ पे चेक उसे क्लिक करके अपने फिंगर को यहाँ से मैच कराते हैं, यहाँ पे ऑथेंटिकेट करते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा मंत्रा या मोर्फो होगा उसमें हमारा लाइट जलेगा और यहाँ से हम अपने फिंगर को इस पे लगाते हैं और यहाँ से इसे कैप्चा को सक्सेस करते हैं। देखिए इतना हम जेम ही करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा अगला इरर है कुछ इस प्रकार से आएगा। जो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे इरर देख सकते हैं, रिक्वेस्ट डाटा लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये आपका इरर आता है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से इसे ओके कर देते हैं और यहाँ से इसे हम कट करते हैं, कट हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम आएंगे अपने प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे हमारा सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है सारा यहाँ से दिखाने लगेगा और यहाँ पे जो हमारा DGP का जो वर्जन है जो 6.7 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसे हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे इस तरह से इसे हम करेंगे तो ये हमारा यहाँ से अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से यस देंगे, इसको परमिशन करेंगे। देखिए यहाँ से ये हमारा अनइंस्टॉल हो रहा है। होने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से। देखिए यहाँ से हो गया ओके, यहाँ से इसे हम कट कर देते हैं। अब आते हैं क्रोम पे, ये जो इसका वेबसाइट है हमारा DGPay का, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे जा करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आ करके यहाँ से जो आपका होगा, अगर विंडो के लिए कीजिएगा तो यहाँ पे, और अगर मोबाइल के लिए कीजिएगा एंड्रॉयड के लिए तो यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने दिस PC को ओपन करते हैं या फिर इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आते हैं डाउनलोड्स में, क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जो हमारा DGPay है तो वो हमारा डाउनलोड के चला आया है। इसे हम लोग क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा और आगे आपको दिखाते हैं। ओपन होने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है DGPay सेटअप यहाँ पे 6.7, तो यहाँ पे इसे हम पहले रन कराते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ से हमारा रन करेगा। तो यहाँ पे रन के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे जो लिखा है एग्जैक्ट ऑल लिखा हुआ है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जिप फाइल होता है, इसमें से हमारा सारा फाइल्स ओपन हो करके आता है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा तो यहाँ पे हमारा फाइल अनजिप हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है, स्टेप को बारीकी से समझिएगा, समझ में आएगा। देखिए इतना करने के बाद ऑटोमेटिक हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा ओपन होगा जो DGPay का सेटअप है। तो एक बार इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद जो यहाँ पे सेटअप है तो कुछ इस प्रकार से हमारा दिखाई देने लगेगा, जो लिखा रहेगा DGPay सेटअप। तो अब हमें इस पे डबल क्लिक करके इसे रन कराना है, जो कि हमारा ये DGPay सॉफ्टवेयर है। तो देखिए हम इसे क्रोम को मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक विंडो खुला था पहले, तो यहाँ पे देखिए जो ही यहाँ पे डबल क्लिक किए हैं तो यहाँ पे परमिशन पूछ रहा है कि क्या आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका DGPay फिर से इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करके जो भी आएगा सबको यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा इंस्टॉल की जो प्रक्रिया है वो हमारा DGPay इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि फिर से हम DGPay को ओपन करते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो इंस्टॉल की जो प्रक्रिया वो हो रहा है। तो यहाँ से हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा DGPay है जो, तो उसका आइकन यहाँ पे हमारा दिखाई देने लगेगा। इसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और फिर से उसी प्रोसेस के साथ इसे ओपन करेंगे। देखिए आ चुका है। यहाँ पे हम CSCRD को लिखते हैं, जो हमारा CSC लिखने के बाद यहाँ प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से जो हमारा OTP की जो प्रक्रिया है वो आएगा। तो हम यहाँ से OTP को वेरीफाई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सब कुछ होने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे और फिर से अपने फिंगर को, जो लोग CSC VLE हैं वो अपने फिंगर को यहाँ पे लगाएंगे, जो भी उनके पास डिवाइस होगा।
उस पे लगाने के बाद जो ही उनका जो फिंगर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब देखिए उनका अगला जो स्टेप है वह किस प्रकार से आता है इसका इंटरफेस। जैसे यहाँ पे ये कट गया और ये ऑटोमेटिक अपने से डीजीपी ओपन होगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए उसका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वह यही था कि हम अपने जो डीजीपी है उसका वर्जन एक्सपायर हो चुका था, उसे फिर से न्यू वाले को इंस्टॉल करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम था वो सारा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जो भी आपको क्वेश्चन हो मन में उसे आप कमेंट कर सकते हैं।